इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एमसेट सिर्फ जूसी लेमन भोजन से पहले या बाद में दिया जा सकता है। कीमोथेरेपी के कारण होने वाले उल्टी को नियंत्रित करने के लिए यह दवा अपने बच्चे को प्रोसीजर से 30 मिनट पहले दें। रेडियोथेरेपी सेशन से 1 से 2 घंटे पहले और सर्जरी से 1 घंटे बाद इसे अपने बच्चे को दें ताकि इन प्रोसीजर के बाद उल्टी से बचाव हो सके। यदि आपका बच्चा 7 से 30 मिनट के भीतर दवा उगल देता है तो अपने बच्चे को शांत करें और खुराक को दोबारा दें। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना लें। एमसेट सिर्फ जूसी लेमन से कुछ अस्थायी साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे सिर दर्द, कब्ज, डायरिया, दस्त और थकान। आमतौर पर ये साइड इफेक्ट आपके बच्चे के शरीर के दवा के प्रति अनुकूलित होते ही कम हो जाते हैं। यदि ये दुष्प्रभाव बने रहते हैं या इससे आपको परेशानी होने लगी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दर्द निवारक एंटीबायोटिक या डिप्रेशन की दवाओं सहित आपके बच्चे द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आपके बच्चे को लिवर की समस्या, किडनी की खराबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ब्लॉकेज, हृदय से जुड़ी समस्या या किसी दवा या उसके इंग्रेडिएंट या किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है तो डॉक्टर को बताएं। यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे के लिए एमसेट सिर्फ जूसी लेमन के फायदे। ट्रीटमेंट ऑफ नौसिया। एमसेट सिर्फ जूसी लेमन आपके शरीर में आपको बीमार करने वाले या बीमार महसूस करवाने वाले केमिकल्स की क्रिया को ब्लॉक करता है। इट इज ऑफन यूज टू प्रिवेंट नौसिया एंड वॉमिटिंग दैट मे बी कॉज्ड बाय कैंसर कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एजेड 4 years एंड ओल्डर। इसे आमतौर पर कीमोथेरेपी या विकिरण दोनों से पहले और बाद में लिया जाता है। यह दवा आपको इन उपचारों द्वारा जल्दी से ठीक करने में मदद करती है। यह ऑपरेशन के बाद केवल वयस्कों में मिचली और उल्टी को रोकने में भी असरदार है। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं, लेकिन इस दवा को हमेशा वैसे ही लें जैसे बताया गया है। बच्चों में एमसेट सिर्फ जूसी लेमन के साइड इफेक्ट। एमसेट सिर्फ जूसी लेमन गंभीर साइड इफेक्ट पैदा नहीं करता है और बच्चों द्वारा अच्छी तरह से सहन किया जाता है। अगर साइड इफेक्ट होते भी हैं तो शरीर जब इस दवा के अनुकूल हो जाती है तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट बने रहते हैं या आपके बच्चे को और कोई परेशानी होती है तो बच्चों के डॉक्टर से परामर्श लें। सबसे आम दुष्प्रभावों में शामिल हैं एमसेट के सामान्य साइड इफेक्ट, कब्ज, डायरिया, दस्त, थकान, सिर दर्द। अपने बच्चे को एमसेट सिर्फ जूसी लेमन कैसे दिया जा सकता है? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। एमसेट सिर्फ जूसी लेमन को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।